सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। जिंदगी में एक चीज कभी डिलीट नहीं होती और वो है किसी की यादें। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू ए जिंदगी, तो फिर क्यों ना तुझे चाशनी में डुबा कर मजा ले लिया जाए। आज का पंचांग 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। रात्रि 2:18 तक रहेगी, इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र 3:03 तक रहेगी, इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 8:26 से 9:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:11 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर 3:03 तक रहेगी, इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। धनु राशि 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार, अभी आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। दुनिया को देखने के लिए इसका आनंद लें। आपको नए आध्यात्मिक दिशाओं की तरफ आकर्षित आप नए आध्यात्मिक दिशाओं के तरफ आकर्षित होंगे। सुने के आपके सलाहकार या शिक्षक आपसे क्या कहना चाहते हैं। पिता या पिता जैसा कोई आपके अच्छे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। परिवार और धन से जुड़े मामलों के बारे में भावनाओं को दूसरों से बांटें। आज के दिन पूरे दिल लगाकर काम करने का है और उसके बाद इसका परिणाम भी आपको चौंका देगा। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। रिश्तेदारों की आवाजाही से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन का प्रोग्राम भी बन सकता है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खरीद बिक्री की योजना बन रही है तो उस पर अमल करने के लिए उचित समय है। किस्मत का साथ मिलने से आपके द्वारा लिए गए रिस्क का भी फल प्राप्त होगा, लेकिन बार बार अपने नसीब को आजमाने की गलती ना करें। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधित विचार आएगा, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए अपनी आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान देना होगा। काम का जो अवसर आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह खुद के बलबूते पर ही हासिल करने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आप में बदलाव आएगा, उसी प्रकार से रिलेशनशिप और पार्टनर बदलते हुए नजर आएंगे। सावधानियां, चुस्त दुरुस्त बने रहें। आलस और बहुत अधिक सोच विचार करने से कोई बेहतरीन मौका भी हाथ से निकल सकता है। अनजान लोगों पर अधिक भरोसा ना करें, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अपनी योजनाओं व गलतियों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। बादशाह है कुछ नया सीखने की हो या रोमांस की, आप हर चीज में माहिर हैं। रोमांस और अंतरंगता भरे इन पलों को आपके दिल में अपने दिल में संजो कर रखें। आज आप अपने भाई बहन या सलाहकार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, बस दुर्घटना से सावधान रहें। आज आप अपने परिवार से अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाएंगी, किंतु अपने साथी से कुछ न छुपाएं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपका जीवन साथी काम में भी आपके कंधे से कंधा मिलाने वाला है, जिससे आपको मुनाफा होगा। जो युवा अभी परिवार के एहसास से दूर हैं, उनके लिए भी सुख भरे दिन आने वाले हैं। बात करते हैं करियर की। आपका व्यवसाय जीवन आज आपको 7वें आसमान में ले जाएगा, जहां आपकी क्षमताएं पूरे आकर्षण में हैं। आपके अधिकारी भी आपकी काबिलियत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करना या कौशल को बढ़ाना भी आपके करियर को नया मार्ग दिखा सकता है। आज के दिन आपके लिए बेहद शुभ है। आपका पार्टनर आज आपसे मिलने आ सकता है और आपके वित्तीय मामले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज आपको अपने आसपास मौजूद लोगों की भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। इस चरण के दौरान आप जो भी करें उसे पूरा दिल लगाकर करें,
क्योंकि विजेता हमेशा अवसरों का फायदा उठाते हैं। बात करते हैं सेहत की। कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या को भी, छोटी से स्वास्थ्य संबंधित समस्या को भी गंभीरता से लें। छाती से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी जीवन शैली को सुव्यवस्थित रखें। लो बीपी की समस्या भी हो सकती है। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।